तो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द वीडियो गेमिंग साइलेंट। तो गाइस आज के वीडियो मैं और डॉक्टर पैब्लो किए थे वन वी वन। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइस वाले वीडियो में बहुत ही ओपी हेड लगे हैं। तो गाइस पूरा वीडियो देखना आप लोग जरूर, गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़े मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पे अभी ये लाल लाइन के पास हम लोग है, गाइस यहाँ पे मैंने A9 को ले लिया है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे अच्छे से मूड में, गाइस एकदम पूरे अच्छे से मूड में जो मारने के, गाइस लेट्स सी गाइस क्या होता है इस मैच में। गाइस पूरा मैच जरूर देखना। गाइस यहाँ पे गाइस मैं साइड में आया, गाइस यहाँ पे मेरे को डॉक्टर पैब्लो नहीं दिखे। गाइस मेरे को लग रहा है डॉक्टर पैब्लो यहाँ पे होंगे। यहाँ पे गाइस मैंने डॉक्टर पैब्लो की एक ग्लू वॉल देख ली। गाइस इसका तो भाई मैं पूरा कंफर्म हो गया, गाइस डॉक्टर पैब्लो यहीं पे। गाइस यहाँ पे गाइस मैंने ग्लू वॉल लगा ली डॉक्टर पैब्लो के पास है डेजर्ट ईगल। गाइस क्या हम लोग मार पाएंगे डॉक्टर? ओ भाई सब, गाइस यहाँ पे गाइस हम लोग ने एक हेड शॉट मारा गाइस 198 का। गाइस यहाँ पे डॉक्टर पैब्लो मर गए, लेकिन गाइस सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगा क्योंकि गाइस मैंने एक हेड भी मारा, लेकिन तभी यार हेड शॉट का यार सिंबल नहीं दिया इन लोगों ने। मतलब भाई क्या, मतलब गरीना वाले भाई क्या कर रहे हैं भाई, हेड शॉट का सिंबल नहीं दिया। तो ये तो गाइस बहुत ज़्यादा गलत है यार। मतलब एक हेड शॉट के मारने के बाद भाई एक बॉडी शॉट मार देगा, इसको दो डैमेज क्या काम था यार। मतलब 198 का हेड शॉट भाई क्या क्या ही बोल सकते गाइस अब गरीना वाले। गाइस तो गाइस अब भाई हम लोग यार सेकंड राउंड पे आ गए। गाइस अब सेकंड राउंड, गाइस देखते गाइस सेकंड राउंड में कौन जीतता है। गाइस लेट्स सी गाइस। गाइस यहाँ पे पूरे मूड में हूँ गाइस यहाँ पे। गाइस यहाँ मैंने ग्लू वॉल लगाई। गाइस मैंने वापस डॉक्टर पैब्लो को स्पॉट कर लिया। गाइस डॉक्टर पैब्लो के सामने है, गाइस वहाँ पर ग्लू वॉल लगाई। गाइस और यहाँ पे भाई मेरे पास MP5 और गाइस यहाँ पे है मेरे पास A94। तो गाइस लेट्स सी क्या होता है। गाइस यहाँ पे गाइस डॉक्टर पैब्लो बहुत तेज़ से ग्लू वॉल लगाए। गाइस अब यहाँ पे गाइस मेरे को पूरा पूरा जब तक लोकेशन पता नहीं चलेगा तब तक गाइस मैं डॉक्टर पैब्लो को नहीं मार सकता, वरना गाइस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि गाइस आपको 1v1 में बंदे की लोकेशन ही जानना मेन होता है। गाइस गाइस यहाँ पर 1v1 बहुत ही मजेदार गाइस 1v1 है। गाइस यहाँ पे ओ भाई सब देख लो भाई मारने से पहले गाइस ग्लू, अरे यार मैं अटक गया। गाइस यहाँ पे गाइस मैं अटक गया, गाइस लॉल हो गया, गाइस पूरा पूरा गाइस अटक गया। अगर गाइस अगर डॉक्टर पैब्लो भाई उस टाइम पे भाई अगर वो ग्लू वॉल नहीं लगाते तो शायद वो मेरे को मार सकते थे। गाइस गाइस यहाँ पर अरे यार वापस गाइस मैंने मारने की स्टार्ट की गई, लेकिन भाई डॉक्टर पैब्लो भाई साइड चले गए। यहाँ पे भाई डॉक्टर पैब्लो पूरा मूड में ड्रैग मारने की, इसीलिए गाइस मैं बैठ के मारूंगा। ओ भाई सब देखो भाई इसे कहते स्ट्रैटर्जी। गाइस गाइस मेरे को पूरा का पूरा पता था गाइस अगर मैं खड़े होकर मारूंगा तो मैं भाई दो गोली का ही बस रहूंगा, क्योंकि गाइस एक गोली 198 की लगेगी, दूसरी गोली भी 198 की लगेगी। तो गाइस इसीलिए गाइस मैंने बैठ गया, जिससे भाई डॉक्टर पैब्लो का पहला ड्रैग थोड़ा फालतू चला सके। गाइस ऐसा भाई मैंने सोचा था गाइस अगर डॉक्टर पैब्लो के नीचे से ड्रैग करते पूरा नीचे से गाइस तब भी मैं मर ही जाता, लेकिन गाइस ऐसा मेरी थिंकिंग थी। गाइस अगर मैं पूरा नीचे बैठ जाऊंगा, अगर वो मीन चेस्ट से ड्रैग करना चाहेंगे तब गाइस अपन जीत जाएगा। गाइस तो गाइस यहाँ पे डॉक्टर पैब्लो यहाँ पर गाइस हार गया है। गाइस यहाँ पे गाइस अरे यार क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं भी एकदम न्यू वाले मोशन दिखा रहा हूँ। गाइस यहाँ पे गाइस आप लोग आ चुके हैं, पता नहीं कौन सी जगह पे आ रहे हैं। गाइस यार जगह का भाई नाम भाई मैंने बहुत बार सुना गाइस, लेकिन कभी गाइस ठीक से बोल ही नहीं पाता यार क्या ही जगह। मतलब भाई गाइस यहाँ पे गाइस मैंने ग्लू वॉल लगा लिया। गाइस मैंने डॉक्टर पैब्लो को भी देख लिया है। गाइस यहाँ पे भाई एकदम ओपी मैच होने वाला है। गाइस यहाँ पे गाइस मैं सोचा था गाइस मैं पेड़ के पास लगाऊंगा, जिससे गाइस मेरे को दो दो कवर मिल जाए अगर भाई साइड से आ जाए डॉक्टर पैब्लो, लेकिन गाइस मेरा निशाना गलत हो गया। क्योंकि गाइस यहाँ पे तेज से ही लगाना ज़रूरी है, अगर भाई तुम तेज से नहीं लगाओगे गाइस तो तुम्हारी भाई थोड़ी सी गलती की वजह से तुम ही मर जाओगे। तो गाइस इसीलिए गाइस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मैच हो रहा है एकदम भाई, बहुत ही ज़्यादा गाइस खतरनाक मैच है गाइस एकदम भाई, एकदम लेवल बहुत ज़्यादा हाई है गाइस पहले मैच का। क्योंकि गाइस दोनों के दोनों प्लेयर भाई बहुत ही ज़्यादा हेडशॉट मार रहे हैं भाई। डॉक्टर पैब्लो गाइस अभी आप लोगों ने एक हेडशॉट नहीं देखा गाइस, इसलिए आपको लग नहीं रहा होगा मार रहे हो गाइस, लेकिन गाइस बहुत ही अच्छा मारता है गाइस। यहाँ पे भाई ग्लू वॉल लगा ली गाइस, आप मूवमेंट से समझ सकते हो गाइस अच्छा लगाता हो गाइस। यहाँ पे देख रहे हो भाई बहुत स्पीड मूवमेंट है गाइस, यहाँ पर जोन आ रहा है मेरे ख्याल से, मेरे को भागना चाहिए गाइस यहाँ से। गाइस यहाँ जोन आ रहा है गाइस, अगर मैं ज़रा सा अगर भाई यहाँ पे भाई अगर मैं थोड़ा सा भी साइड से गया तो गाइस बंदा मार देगा गाइस मेरे को भाई साहब। यहाँ पे मेरे को भागना पड़ेगा गाइस, मेरे को भागना पड़ेगा, जोन आ गया भाई गाइस। अच्छा गाइस मैंने वहाँ पर ग्लू वॉल लगाई थी और गाइस यहाँ से मैं भाग गया। अब गाइस यहाँ पे गाइस मैं ग्लू वॉल लगाऊंगा, जिससे गाइस मैं अगर भाई डॉक्टर पैब्लो यहाँ पर भी आ गए तो गाइस मैं यहाँ से बच जाऊँ डॉक्टर पैब्लो से। गाइस यहाँ पे भाई मैं डॉक्टर पैब्लो से पूरा बच चुका हूँ, यहाँ मैंने हर जगह ग्लू वॉल लगा ली गाइस। अब लेट्स सी क्या होता है मैच। डॉक्टर पैब्लो भी यहाँ पर आ गई गाइस, अब मैं जोन के बीच में आने की कोशिश करूँगा, जिससे मेरे को जोन का कोई टेंशन ना हो। और भाई साहब डॉक्टर पैब्लो पीछे आने की मूड में, और भाई साहब डॉक्टर पैब्लो एकदम पीछे। गाइस लेट्स सी गाइस क्या होने वाला है। गाइस मैं ड्रैग का बहुत इशू, गाइस मैं ड्रैग मारता हूँ लेकिन यार कभी बटन पे क्लिक होता ही नहीं। गाइस गाइस यहाँ पे भाई डॉक्टर पैब्लो मेरे सामने गए और मैं यहाँ पीछे चला गया। अरे यार मेरे को लगा डॉक्टर पैब्लो मेरे को मारेंगे लेकिन नहीं मारेंगे। और गाइस यहाँ पे भाई अरे यार ये क्या गाइस,
गाइस ये क्या प्रॉब्लम हुआ गाइस, मैंने ड्रैग मारने की कोशिश कई बार गाइस, 3 HP भी बच गया था गाइस, शायद से भाई 1 HP इस बार भी हुआ था। यहाँ भाई मार दिया मेरे को, एक शॉट लगा गाइस और गाइस डॉक्टर पैब्लो ने भाई खत्म कर दिया गाइस यहाँ पे। अब गाइस हम लोग बढ़ गए गाइस फोर्थ राउंड की तरफ गाइस, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। अब गाइस इस वाले राउंड में क्या होता है, यहाँ मैं थॉमसन लेने की सोचा था गाइस, लेकिन मैंने ले लिया यहाँ पे एक्समेट गाइस। यहाँ पे भाई मैंने भाई हेलमेट क्या की गई इस वाले मैच में, आपको वेस्ट की जरूरत कम है, हेलमेट की ज़्यादा है, क्योंकि भाई यहाँ पे आप लोग को भाई मैं सही बता रहा गाइस, ये वाला कुछ ठीक मैं नहीं रहा हूँ गाइस कि सही का भाई वही मैच है गाइस। इसमें भाई मतलब भाई हेडशॉट भाई बहुत लग रहा है गाइस, मतलब भाई थोड़ा सा भी भाई बॉडी शॉट भी लगे, लेकिन भाई बॉडी शॉट मतलब ना के बराबर लगते गाइस। अब भाई बॉडी शॉट का डैमेज ना के बराबर बोल सकता गाइस, वरना ये काउंटिंग में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन डैमेज ना के बराबर है, क्योंकि गाइस यहाँ पे कम से कम 10 हेडशॉट लगते हैं, तो कम से कम भाई 15 या 16 भाई लगते होंगे भाई बॉडी शॉट, क्योंकि भाई बॉडी शॉट का डैमेज भी देख लो भाई कितना कम होता है, और भाई हेडशॉट का डैमेज भाई कितना ज़्यादा होता है, इसीलिए भाई डैमेज के मामले में भाई हेडशॉट का ज़्यादा डैमेज देते हैं, बॉडी शॉट का हम लोग कम डैमेज देते गाइस। गाइस यहाँ पे गाइस मैं पूरा पीक करने की कोशिश में गाइस, यहाँ पे भाई मैं सोचा था गाइस जंप करके मार दूँ, लेकिन भाई मैं सोचा भाई जंप करने का कोई फायदा ही नहीं, एक बॉडी शॉट लगेगा जो भी रिकवर हो जाएगा ईपी से ही। तो गाइस यहाँ पे गाइस मैं पूरा छुप गया गाइस, यहाँ पे भाई थोड़ा सा मेरे को लग रहा था गाइस शायद से फंस ना गया हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था गाइस क्या पता मेरे को कौन से मार दिया गाइस। यहाँ डॉक्टर पैब्लो बाहर निकले गाइस, और गाइस यहाँ मैंने पहले से वो लगा दी गाइस, इसका मतलब भाई डॉक्टर पैब्लो मेरी लोकेशन नहीं पता कर पाए गाइस। यहाँ पे गाइस मैं वापस आगे निकला, अरे यार ये मैंने आगे मेरे को लगा मेरी सारी ग्लू वॉल, चलो गाइस यहाँ पे गाइस ग्लू वॉल आ गई गाइस, क्या बोल रहा है मैं भी। तो गाइस यहाँ पे भाई डॉक्टर पैब्लो मैं देख नहीं पा रहा गाइस, डॉक्टर पैब्लो कहाँ है गाइस, शायद से गाइस ग्लू वॉल के पीछे गए, लेट्स सी गाइस क्या होता है गाइस, ग्लू वॉल के पीछे गए डॉक्टर पैब्लो, शायद से भाई ग्लू वॉल के पीछे गए। अरे भाई भाई इतनी तेजी भाई ये क्या होता है भाई, मतलब भाई अगर जरा तो मैं नहीं देखता गाइस मैं चला ही जाता गाइस। अरे यार यहाँ पे अरे गाइस देख रहे गाइस, मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। अरे यार यहाँ पे गाइस डॉक्टर पैब्लो ने भाई हेड मार दिया गाइस, मैंने गाइस पहले ही बोला था गाइस, मतलब भाई इसमें हेड बहुत लगते हैं गाइस, मतलब भाई देख रहे हैं गाइस, मतलब 2 बॉडी शॉट के बाद हेड मार दिया। तो गाइस अगर तीन बॉडी शॉट लगते तो शायद से मैं ग्लू वॉल लगा लेता, अगर चार बॉडी शॉट लगते तो उतना मेरे पास उतना हेल्थ होता ही गाइस, तो मैं शायद से ग्लू वॉल लगा के बच जाता, लेकिन भाई हेड ही लग गया डायरेक्ट, तो अब मैं नहीं बच पाए गई गाइस। यहाँ मैंने भी थॉमसन ले लिया, क्योंकि भाई डॉक्टर पैब्लो ने मेरे को पिछले मैच में थॉमसन सी मारा गाइस, यहाँ 5th राउंड हो गया गाइस, देख रहे हो मतलब भाई कहाँ मैंने 2 मैच जीता गई। तो यहाँ पर गाइस मैंने 1 टैप के लिए M500 ले लिया है, शायद से गाइस मैं 1 टैप मार दूँ गाइस। और गाइस अगर आप 1v1 खेल रहे हो तो गाइस आपके पास मतलब ग्लू वॉल होना भाई बहुत ज़रूरत है गाइस। यहाँ पे भाई डॉक्टर पैब्लो नीचे गाइस और यहाँ मैं ऊपर ही गाइस, और यहाँ पे भाई मैं नीचे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता गाइस मेरे पास ये थॉमसन गाइस M500 तो है ही, थॉमसन भी है, लेकिन भाई मेन वेपन मेरा थॉमसन है गाइस। यहाँ मैं साइड से पीक करने की कोशिश गाइस, डॉक्टर पैब्लो यार एकदम सामने आ गए गाइस, यहाँ पे डॉक्टर पैब्लो सामने आ गई। अरे यार मेरे भाई डैमेज देने की कोशिश गाइस यहाँ पे, अरे यार ये क्या हो रहा है मतलब देख रहे हो, अच्छा गाइस मैंने यहाँ ग्लू वॉल लगा लिया गाइस, यहाँ डॉक्टर पैब्लो गाइस साइड में, अरे यार गाइस क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, अरे यार मैंने अरे एक हेडशॉट और भाई यहाँ पर हेडशॉट से वापस ख़त्म कर दिया है, वापस हेडशॉट गाइस, मतलब देख रहे गाइस मैंने भी एक हेडशॉट मारा, लेकिन भाई ने मेरे को हेडशॉट ख़त्म कर दिया गाइस, यहाँ 3-2 का स्कोर हो गया गाइस। अब भाई मेरे को अपना वेपन लेना ही पड़ेगा गाइस, अपना SKS फेवरेट SKS गाइस, लेट्स सी गाइस हम लोग अपने फेवरेट SKS का कितना मारते गाइस। यहाँ मैंने डेजर्ट ईगल भी ले ली, क्योंकि गाइस SKS अगर भाई काम ना करे तो गाइस डेजर्ट ईगल भी बेस्ट है गाइस, एकदम बहुत ज़्यादा बेस्ट है भाई डेजर्ट ईगल गाइस। मैं डेजर्ट ईगल गाइस मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गाइस, क्योंकि गाइस डेजर्ट ईगल का भी डैमेज बहुत ही ज़्यादा होता है गाइस, जिस भी वेपन का ज़्यादा डैमेज हो वाली वेपन मेरी फेवरेट है। और गाइस भाई अगर ड्रैगन ऑफ होती गाइस मैं ड्रैगन ऑफ पक्का लेता, क्योंकि गाइस ड्रैगन ऑफ भाई मेरे को बहुत अच्छी लगती है गाइस, उसमें भाई उसका डैमेज बहुत अच्छा होता है, ऊपर से गाइस उसमें होता है ये भी है कि गाइस आपका मिस 1 टैप लगता भी है, और भाई यही होता है गाइस। अब क्या ही बोल सकते हैं, यहाँ पे गाइस मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे गाइस मैं मार इसीलिए नहीं आता, वैसे मैं मारता तो मैं जूम इन जूम आउट तो कर सकता था, लेकिन भाई जूम इन जूम आउट में कभी कभी होता है कि सामने वाले प्लेयर तुम्हें हेडशॉट मार देता गाइस, तो गाइस इसीलिए हम लोग जूम इन जूम आउट बहुत ज़्यादा कम करते हैं गाइस। मतलब जिस टाइम पे गाइस मतलब देखो गाइस यहाँ पे रन हो गए गाइस, अब देखो भाई मेरे को पता था गाइस वो तो मेरे को मारेगा नहीं, क्योंकि भाई वो रन कर रहा था गाइस, इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पे जूम इन जूम आउट किया, जिससे भाई एक शॉट में लग गया, लेकिन भाई रनिंग भाई ठीक हो गई थी गाइस, एकदम ठीक रनिंग गाइस। यहाँ पे गाइस साहब पास आ गया गाइस, अब मैं क्या कर गई यहाँ पे गाइस, यहाँ पे भाई मैं डॉक्टर पैब्लो को पीछे आने की कोशिश में गाइस, अरे यार ये क्या हो रहा है गाइस मेरे साथ गाइस, मतलब भाई ये होता है लैग भाई, देखो आपको गाइस दिखा रहा होगा 68 का लैग, लेकिन भाई साहब ये लैग बहुत ज़्यादा होता है गरीना का भाई ये 1-2 महीने पहले गरीना का ग्लिच है गाइस, अगर आप लोग नहीं जानते तो गाइस मैं बताता गाइस ये होता है क्या, इस ग्लिच में होता है ये कि गाइस
ये लैग जो दिखाता गाइस आपका नेटवर्क होता है, लेकिन भाई आपके पास इस टाइम पे कोई भी डिवाइस हो जाए आपका गाइस कभी कभी लैग कर ही जाता गाइस। आपके पास एप्पल आईफोन 11 भी क्यों ना हो लेकिन गाइस वो लैग करेगा ही, क्योंकि गाइस ये करीना का थोड़ा ग्लिच है। आप गाइस आपका 60 मैं बोला गाइस हमेशा लैग नहीं करेगा, मैं ये बोल रहा हूँ गाइस आपका 60 पे कभी कभी लैग कर सकता है, क्योंकि गाइस वो करीना दिखाता है भाई 60 है लेकिन होता है गाइस बहुत ज़्यादा। तो वही मैं बता रहा गाइस आपका मतलब डिवाइस कोई भी हो उससे मतलब नहीं, वो करीना का ही ग्लिच है, करीना लैग ठीक से नहीं दिखा रहा गाइस। यहाँ पे गाइस मैंने मानी कोशिश और भाई वापस हेड मार दिया गाइस, मतलब देख रहे गाइस वापस हेड मार दिया भाई, मैं पूरी तरीके से गाइस मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। वापस हेड मार दिया गाइस, अपन ड्रैग मारेगा वो भाई हेड मार रहा है, अपन ड्रैग मारेगा गाइस। जहाँ मैंने पूरी तरीके से अपनी ले लिया गाइस, सब कुछ ले लिया, अब गाइस मैं क्या लूँ गाइस, मेरे पास 700 रुपये बचे, 700 रुपये का कुछ ले नहीं सकता गाइस, वैसे भी डेजर्ट ईगल 800 की आती है, तो गाइस छोड़ो 700 रुपये नेक्स्ट राउंड में काम आएंगे गाइस। अगर ये वाला मैच भी हार गया गाइस मैं, तो गाइस सब लोग जानते गाइस बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता गाइस। अगर तुम लगातार मतलब 2 राउंड जीते फिर क्या लगातार 3-4 राउंड हार जाओ गाइस, तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती गई। जहाँ पे गई डॉक्टर पैब्लो सामने भाई सामने गोलियाँ चला रही गई, जहाँ पे गई दिख गया मैं मेरे को गई, जहाँ पे गई अब मैं ज़रा सा पीक्यू मारूंगा गई। और भाई यहाँ हेड लगा भाई, पहला शॉट हेड लगा भाई, अब मेरे को पता है गई वो पक्का मेडिकेट लगाएगा, मेरे को पक्का पता गई। जहाँ भाई मैंने यहाँ पर उसका पीक करने का रास्ता थोड़ा हटा दिया, अब गई मेरे को पता था भाई वो पीक करके मेरे को मार सकता था, इसलिए मैंने पीक करके पीक वाला रास्ता ही हटा दिया गई। यहाँ पे गई अब मैं यहाँ पे बाहर निकला, अब मैं शायद से पीछे मारूंगा गाइस, अब मैं पीछे से मारूंगा गाइस। यार वो ये गाइस मैंने लोकेशन थोड़ा अपना चेंज किया गाइस, अरे यार ये क्या भाई डॉक्टर पैब्लो मेरे को ना ही देख पाया गाइस। यहाँ पे वापस एक हेड मारा 99 का, वो भाई साहब मतलब अब डॉक्टर पैब्लो की हेल्थ मतलब मैं बता सकता हूँ, अब भाई मेडिकेट होगी शायद से 0 या फिर 1 मेडिकेट होगी, क्योंकि एक उनने लगा दी गई। यहाँ पे एकदम पूरा फेयर गेम प्ले हो रहा है, क्योंकि गाइस डॉक्टर पैब्लो के पास भी हयाटो है, मेरे पास भी हयाटो ही है, तो भाई एकदम फेयर गेम प्ले हो रहा है। फिर भी आलोक के साथ, अगर भाई आलोक के साथ अगर तुम हयाटो लेके जीत गए तो भाई एकदम बहुत ही ज़्यादा ओपी हो जाता है गाइस, क्योंकि भाई आलोक के साथ तुमने हयाटो से मार दिया। क्योंकि गाइस देख लो गाइस यहाँ पे अगर आलोक होता गाइस अगर डॉक्टर पैब्लो के पास, तो गाइस अभी उसके पास मतलब भाई बहुत ही कम होती है, देख रहे हो गाइस, इसका मतलब भाई उस टाइम पे 0 मेडिकेट बची हुई है, इसलिए अभी बहुत जल्दी मर गया। क्योंकि लेकिन गाइस अगर आपके पास अगर अभी आलोक होती तो गाइस आप आलोक से आराम से अपनी हेल्थ बढ़ा लो गाइस, 10 सेकंड में 50 बढ़ जाएगी गाइस, और 10 सेकंड भाई बहुत ही ज़्यादा कम ही होते गाइस अगर आप लॉन्ग रेंज में हो थोड़े से, और आप 1v1 खेल रहे हो और अगर सामने वाले के पास मतलब कोई लॉन्ग रेंज की गन है तब तो भाई मेरे ख्याल से भाई बहुत ही ज़्यादा कम होती है अब 10 सेकंड, अगर शॉर्ट रेंज होती गई तब बहुत ज़्यादा हो लगता है भाई, अरे यार कब हेल्थ बढ़ेगी गई मेरी। गई यहाँ पर गई मैंने MP40 ले लिया गई, लेट से गई मैं MP40 से मार पाता हूँ गई नहीं, अरे यार ये क्या ग्लिच हो गया गई, मतलब मैं सामने मार रहा था ये प्रॉब्लम हो जा रहा है गई थोड़ा सा। अब गई यहाँ पर देख रहे गई मेरा कैरेक्टर कैसे चलता, मतलब भाई हाथ में पता नहीं क्या लेके चलता गई, ग्लूवल लेके चलता है या फिर क्या चलता भाई, मतलब ऐसे पकड़ के ले जाएगा मतलब समझ नहीं आने लग रहा है किसी को बॉटल पास करने जा रहे हैं गाइस, मतलब गाइस अलग ही भाई, मतलब बॉटल पास कर रहा है गाइस, क्या भाई गरीना वाले ने भी कैसा दिखाया गाइस, मतलब भाई एकदम घटिया एनिमेशन गाइस, एनिमेशन भी घटिया एकदम, थोड़ा कोई अच्छा देखना चाहिए गाइस, एकदम हाथ भाई लेके जाने की तो भाई लग रहा है बॉटल पास कर रहा है, और गाइस जब फेंकते तो गाइस ग्लूवल बन जाता है गाइस। यहाँ पे भाई मेरे को लग रहा है गाइस SKS है गाइस, SKS है वो गाइस, अभी हमें मेरे को भाई पीछे आ गाइस, देख रहे गाइस थोड़ा सा गाइस प्रॉब्लम भाई तुम्हारा क्रिएट होगा गाइस पीछे दीजिए, और गाइस देख रहे, अरे यार क्या प्रॉब्लम, मतलब भाई देख रहे हो तुम्हें लग रहा है गाइस यहाँ ऊपर होगे लेकिन नीचे होंगे, ऊपर आ गए गाइस। यहाँ पर गाइस अब एकदम ओपन में गाइस, यहाँ मैंने MP40 से 2 हेड मारा और यहाँ मेरे को हेड लग गया गाइस, मैंने 2 हेड मारा यहाँ 2 हेड मेरे को ही लग गया गाइस, देख रहे गाइस मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब मैच चल रहा है गाइस यहाँ पे गाइस मेरे साथ। गाइस मैंने वापस एक सीमेंट ले ली और गाइस मैंने वापस एक ग्लूवल ले ली, और गाइस अब मैं मैच हारूंगा तो गाइस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि गाइस अगर तुम सामने वाले कोई बंदे के साथ खेल रहे हो जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब मैच जीत गया है तुमसे, इसका मतलब ऑब्वियस की बात है बट भाई वो तुमसे अच्छा खेल रहा है, तो भाई उसको भाई अगर तुम अगर थोड़ा सा भाई अगर वापस खेलोगे उससे अच्छा तो भाई उसमें तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग जाएगा, थोड़ा सा भाई प्रॉब्लम होगा। तो गाइस यहाँ पे वही प्रॉब्लम हुई मेरे साथ की गाइस, यहाँ पे भाई मैंने डॉक्टर को पहले को वापस कॉल कर लिया है, अब तो भाई मैं पूरा देखूंगा भाई कहाँ कहाँ जा गई, अब मैंने यहाँ देखा गई, अब मैं छोड़ूंगा नहीं गई, अब मैं पूरा छोड़ूंगा नहीं गई, अब मैं पूरा देखूंगा भाई सब यहाँ, तो भाई डॉक्टर पहले कहाँ गए गई,
गाइज मेरे को ऐसा लग रहा है गाइज वो पीछे आ गया हो गाइज, मेरे को ऐसा लग रहा था, ये मैं सही बता रहा था, उस टाइम पे भी मेरे को लग रहा था गाइज पीछे आ गया, लेकिन फिर मैंने सोचा गाइज मैंने तो देखा ही नहीं, देखो गाइज मेरे को लग ही रहा था उस टाइम पे भी कि पीछे आ गया, लेकिन गाइज उस टाइम पे मैंने ये अपने आप को मनाया नहीं गाइज कि पीछे आया भाई, उसी वजह से मेरे को पड़ गई गाइज पूरी तरीके से, यहाँ मेरी मेडिकेट के ऊपर से वेस्ट भी आता डैमेज हो गया गाइज, अब मैं पीछे जाऊँगा यहाँ पे गाइज, क्योंकि गाइज मेरे को पता चल गया SKS है और भाई SKS से भाई बच के रहना चाहिए थोड़ा भाई, यहाँ मैं पूरा पीछे आ गया गाइज, वहाँ वापस डैमेज दी गाइज, अब गाइज मारना पड़ेगा, अब हेड मारना ही पड़ेगा गाइज, अब तो हेड मारना ही पड़ेगा वरना गाइज मैं तो हार गया, ओ भाई सब यहाँ पे गाइज एक हेड लगा गाइज बाकी बॉडी लगी गाइज, गाइज यहाँ पे गाइज मैं जीत गया गाइज वापस, और गाइज 4-5 का स्कोर हो गया गाइज, गाइज आप हमारा राउंड है 10th राउंड, सोच सके गाइज इतना कॉम्प्लिकेटेड मैच हो गया मतलब भाई, पर मैं भी सोच रहा था गाइज क्या मैच हो रहा है गाइज इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गाइज, यहाँ पे गाइज MP40 का डैमेज मैंने देख लिया गाइज, और MP40 का गन मानी गाइज, MP40 का मैं गन गाइज एकदम बहुत ज़्यादा फालतू गन MP40 एकदम फालतू गन, फिर गाइज मैंने थॉमसन दे दिया है, तो गाइज MP40 का डैमेज मैंने देख लिया गाइज, अगर भाई मैंने गलती कर दी गई उस टाइम पे मैं एक्सटेमेट से मार देता तो भाई मतलब उतना टाइम ही नहीं मिलता इसके हेडशॉट मारने का, लेकिन भाई मैंने उस टाइम पे मैंने सोचा भाई MP40 शॉर्ट रेंज में मारेगी, लेकिन नहीं मारी यार, क्या घटिया MP40 यार, मतलब दो हेड के कम से कम बंदे को दो हेड में तो खत्म हो जाती है यार, मतलब क्या ही घटिया है, तो यहाँ पर भाई मैंने देख लिया गाइज वहाँ पे भाई उसने ग्लूवल लगाया गाइज, मेरे को लग रहा है गाइज मेरे को वापस उल्लू बनाना चाहता है, ग्लूवल पीछे लगा के भाई आगे से आ जाएगा, तो गाइज यार ये ट्रिक मैं उस टाइम पे भी समझ गया था गाइज, कि मेरे को पता था गाइज ये भाई यही होने वाला है, तो गाइज मैंने सोचा भाई थोड़ी देर तक भाई पीक करता, फिर मेरे को समझ में आ गया गाइज ये तो भाई एकदम भाई मेरे को भाई मैं सोच रहा था गाइज तभी थोड़ा पीक करते, फिर मैं गाइज थोड़ा सा मेरे को लगने लगा गाइज शायद से सामने से ना आ जाए, तो गाइज मैं सोच रहा था पीछे से चला जाता गाइज, और गाइज जब मैं पीछे गया तो गाइज मैंने क्या देखा गाइज, मैंने देखा गाइज देखो गाइज मैं यहाँ पर पहले सामने पीक करता गाइज, फिर मैंने दिखा रही यार ये क्या चल रहा है गाइज, ये क्या चल रहा है गाइज, मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब भाई पीछे से गाइज अभी मैंने दिखता गाइज अभी तो मैं खत्म हो जाता गाइज पूरी तरीके से, और गाइज यहाँ मैंने ऊपर ग्लू वॉल लगा ली जिससे अगर भाई वो उछल के मारे तो मेरे को ना मार पाए, और भाई यहाँ भाई बहुत कम का डैमेज लग रहा है 12-12 का लग रहा है, हेडशॉट मारने की पूरी कोशिश में गाइज, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा भी भाई अगर बंदा निकले तो भाई बंदे को मार देना चाहिए जिससे भाई बंदे को ज़्यादा सा डैमेज तो लगे गाइज, यहाँ पे भाई सामने अरे अरे यार मैंने वापस मारने की कोशिश की, अरे यार मेरे को डैमेज लगे गाइज, और यहाँ पे गाइज मैंने दो गोलियाँ मारी, तो मेरे को थोड़ा खुशी हो रहा है क्योंकि मैंने भाई डॉक्टर वाले पहले मेरे को एक ही गोलियाँ मारी और मैंने दो गोलियाँ मारती गई, यहाँ पे डॉक्टर वाले पहले वापस निकले गए, और यहाँ पे गाइज ओपी हेड गाइज, मतलब भाई लगातार दो गोली मारी वो भी हेड लगी गाइज, भाई सब ओपी हो गया गाइज एकदम गाइज, 5-5 का स्कोर हो गया गाइज, बताओ गाइज कौन जीतेगा मैच गाइज, बताओ कमेंट सेक्शन में अभी बताओ गाइज, वीडियो पॉज करो और गाइज बताओ कौन जीतेगा मैच गाइज, एकदम ओपी मैच हो रहा है गाइज, यहाँ पर गाइज मैंने डेजर्ट ईगल ले लिया है क्योंकि गाइज मेरे पास वन टैप की कोई गन नहीं थी गाइज, मैंने डेजर्ट ईगल ले ली गाइज, यहाँ पे भाई एकदम ओपी मैच हो रहा है गाइज, वापस आ गया गाइज हमारा मार्स इलेक्ट्रिक, पिछली बार मार्स इलेक्ट्रिक में मैं जीता था गाइज, लेट्स सी इस बार मार्स इलेक्ट्रिक में कौन जीता है, शायद से डॉक्टर फैबर जीत जाए या फिर शायद से मैं वापस ही जीत जाऊँ गाइज, लेट्स सी क्या होता गाइज मार्स इलेक्ट्रिक में वापस, और गाइज भाई एकदम घटिया चलती गई, अगर भाई तुम पीसी प्लेयर हो तो गाइज तुम्हारा जो भाई चलेगा ना गाइज, या फिर तुम डिवाइस मतलब कटिंग मतलब गेमिंग वाला फोन हो तो गाइज तब तुम्हारे को ग्लू वॉल लगेगा गाइज, मैंने वापस मेरे को लगा दिया गाइज आ जाएगा गाइज, यहाँ पे मैंने ही फिर वापस डर के मारे गाइज ग्लू वॉल लगा दी गाइज गाइज, यहाँ पे गाइज तुम भाई कहाँ गया भाई गाइज, डॉक्टर बता दो मेरे को भाई एकदम कन्फ्यूज कर रहे थे गाइज, मैं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जा रहा गाइज गाइज, मैं यहाँ पे पीछे भी ग्लू वॉल लगा ली गाइज, मेरे को मैंने सोचा था गाइज अगर पीछे से आ गया था इस तभी बच जाऊंगा गाइज, मैं फिर गाइज मेरे को लगा था गाइज शायद से आगे आ जाए गाइज, मतलब ये एकदम मैं पूरा तरीका फंस गया था गाइज, एकदम पूरी तरीके से फंस गया था गाइज गाइज, फिर मैं यहाँ से पीछे देख रहा था गाइज, पीछे आते ही गाइज यहाँ पे गाइज आगे भी नहीं देखा पीछे भी नहीं देखा गाइज, कहाँ है यार ये, फिर गाइज मेरे को लगा गाइज ये शायद से साइड में होगा, शायद से साइड में होगा, तो गाइज मैंने यहाँ हिम्मत जुटा के साइड में गया, जैसे ही साइड में गया फिर मैंने अचानक से गाइज यहाँ पर आगे देखा तो गाइज यहाँ सामने गई, और गाइज यहाँ मैंने ग्लू वॉल लगा दी गाइज ओपी भाई, यहाँ पे ग्लू वॉल लगा दी भाई, दो तीन ग्लू वॉल लगा दी शायद से हमने भाई, यहाँ मैंने मेडिकेट लगा ली गई, अगर भाई अभी रश कर देते गए तब तो मैं गया था गया, यहाँ पे गई मैं, अरे यहाँ पे गई मैंने गलती कर दी, ड्रोन से डैमेज खा के भाई कभी नहीं खाने थे गई, ड्रोन से डैमेज सबसे फालतू डैमेज हो जाता गई, यहाँ पे गई मैं आगे गया वापस सामने गाइज, क्या हो रहा प्रॉब्लम गाइज, अरे यार ये देख रहे मैंने ड्रैग मारने की कोशिश की लेकिन भाई ड्रैग नहीं लगा, ये वही प्रॉब्लम थी गाइज, गरीना का दृश्य क्या तो गरीना बता दिया कि 180 का तुम्हारा लैग नहीं 60 का दिखाएंगे, लेकिन भाई सब ग्लिच इतना घटिया करेंगे ये लोग, घटिया से ग्लिच करेंगे एकदम घटिया भाई एकदम सबसे घटिया,
गाइस यहाँ पे भाई साहब एकदम ओपी मैच हो रहा है गाइस। सिक्स और फाइव का स्कोर हो गया गाइस। अगर भाई डॉक्टर पैब्लो एक मैच भी अगर मुझसे जीत गया गाइस तो मैं खत्म हो जाऊंगा गाइस, फिनिश गाइस। इसीलिए गाइस मैंने यहाँ ले ली शॉर्ट गन, क्योंकि गाइस अब मैं पूरी तरह समझ गया था भाई थॉमसन से भाई 15 का डैमेज लग रहा है, एक गोली उसी में लग रहा है। और गाइस सब जानते गाइस एक गोली से ज़्यादा तो मार नहीं सकते हो गाइस, तो इसी से क्यों नहीं मारे गाइस, इससे पहले मेरे पास दिमाग में क्यों नहीं आया गाइस। मतलब भाई तुम देखो गाइस मैंने ये इसीलिए बोला कि एक गोली से तुम ज़्यादा नहीं मार सकते, क्योंकि गाइस एक गोली के बाद ही बंदा समझ जाता कहाँ पे है बंदा और वो ग्लू वॉल लगा लेगा। तो गाइस इसीलिए यहाँ पे मैंने बोला गाइस कि एक गोली ज़्यादा मार नहीं सकते गाइस, अगर एक ही गोली मारनी है तो भाई शॉटगन से ही मारो, कम से कम 12 कम से कम भाई मेरे ख्याल से 80 का डैमेज तो लग ही जाता है, तो शॉटगन से ही मारो यार एक गोली। गाइस यहाँ पे मैं ऊपर जा रहा हूँ गाइस, अब यहाँ पे गाइस मैं ऊपर में जाऊँगा और देखूँगा इस ये कहाँ पे, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत लंबा रास्ता है। अब गाइस मैं पूरी पूरी चाल आके देखूँगा कि भाई डॉक्टर पैब्लो मेरे को ब्लू वॉल से कैसे उल्लू बनाता है। तो गाइस यहाँ पे भाई सब गाइस डॉक्टर पैब्लो का मैंने भाई देख रहा गाइस, अच्छा गाइस डॉक्टर पैब्लो मेरे को दिख गया गाइस। अभी गाइस मैं डॉक्टर पैब्लो देखूँगा गाइस, देखो डॉक्टर पैब्लो पहले भाई वहाँ पर ब्लू वॉल लगाई गाइस। अब गाइस मैं वहाँ पर देख रहा गाइस शायद से है तो नहीं, फिर मेरे को समझ में आ गया यहाँ पर नहीं है डॉक्टर पैब्लो, साइड चलते गए। देखो गाइस साइड में डॉक्टर पैब्लो गाइस ने यहाँ पर ग्लू वॉल लगाई, और भाई देखो ग्लू वॉल से उल्लू बनाने की निंजा टेक्निक देख रहे गाइस। मतलब भाई ग्लू वॉल सामने गए जिससे बंदे को लगे मैं आगे हूँ, लेकिन भाई अब यहाँ से पीछे से ग्लू वॉल से आएंगे। मतलब भाई सब भाई यहाँ पे अभी मैं भी ड्रैग मारूंगा, यहाँ ड्रैग लगाएंगे गाइस, लेकिन डैमेज अच्छा ओ गाइस। अगर डॉक्टर पैब्लो गाइस यहाँ पे होता गाइस तो मेरे को मार देता, खत्म कर देता फिनिश। ओके गाइस यहाँ पे तो गाइस धोनी आ गया गाइस, धोनी ने भी साथ नहीं किया गाइस, मैं यहाँ साइड में रहूँगा देखूंगा भाई डॉक्टर पैब्लो कब आएगा, शायद यहाँ से ना है डॉक्टर पैब्लो, फिर यहाँ से देखता हूँ मैं भाई यहाँ। अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार गाइस यहाँ पे शॉट लगा गई और यहाँ पे गाइस ओपी गाइस मैंने ग्लू वॉल लगाने से पहले गाइस मार दिया गाइस। अरे यार M240 क्यों ले लिया यार मैंने, यार गलती कर लिया फालतू में, M240 को ले ली मैंने वापस, मेरे को शॉटगन नहीं पड़ी गाइस। गाइस ये शॉटगन देख रहे हैं गाइस कितनी काम आ गाइस एकदम भाई बहुत तेजी से भाई शॉटगन भाई, अब मैं चला लेता हूँ गाइस। मतलब भाई अगर तुम एक गोली भाई पहले होता था गाइस यहाँ पे एक गोली भाई मैं मारता था गाइस शॉटगन से, फिर उसके बाद गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती थी गाइस, दूसरा गोली मारने में भाई थोड़ा सा टाइम लग जाता, लेकिन गाइस अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद गाइस अब मैं एक ही बार में कभी कभी दो गोली निकल जाती है। और गाइस कभी कभी गाइस सही बता रहा हूँ गाइस, जब बहुत तेज़ी से अगर तुम दाबोगे वहाँ पर टैप करोगे तो गाइस जब वहाँ रिकॉल का ऑप्शन आता है गाइस, अगर वहाँ पर भी अगर तुमने क्लिक कर दिया है गाइस तो ये शॉटगन का एक ग्लिच होता है गाइस, वो मतलब भाई एक सेकंड में रिकॉल हो जाता है, रिकॉल ही बोल सकते मतलब रिलोड हो सकता है गाइस, रिलोड भाई मैंने गलती से रिकॉल बोल दिया तो भाई वो रिलोड अरे रिलोड क्या हाँ बोल रहा है यार मैं भी रिलोड हो जाता है गाइस। और गाइस रिलोड होने के बाद गाइस उसमें भाई तुम तीन गोलियां भी मार दोगे गाइस एक साथ, तो गाइस वो भी बहुत बहुत बढ़िया ट्रिक है गाइस, मैं आप लोग गाइस आगे बताऊँ गाइस ये कैसे करते हैं ट्रिक गाइस। यहाँ पे गाइस मैंने ग्लू वॉल से गाइस मैं थोड़ा डर गया हूँ गाइस, फिर गाइस मैं ऊपर से यहाँ पे लोकेशन देखूंगा ओपी भाई यहाँ पे मेरा मन कर रहा था गाइस यहाँ पे ग्लू वॉल के ऊपर बैठ जाऊँ गाइस, आराम से बैठ सकता था गाइस, लेकिन मैंने सोचा चलो छोड़ो यार आगे ग्लू वॉल के ऊपर बैठेंगे। यहाँ भाई डॉक्टर कर दिया गोली मार मार के भाई यहाँ पे ग्लू वॉल लगा रहा है गाइस एकदम ओपी तरीके से गाइस, यहाँ पे भाई मैं पूरे स्पॉट कर रहा गाइस किधर है, अरे यार पीछे अभी आ गया गाइस यहाँ पे गए ऊपर आ रहे गए, और यहाँ पे मेरा एक शॉट मिस दूसरा शॉट मिस, और यहाँ पे ग्लू वॉल लगा ली जिससे भाई डॉक्टर पैब्लो ना आ पाए मेरे पास गाइस, यहाँ मैं पीछे भाग गया गाइस यहाँ पे गाइस मेरे को लगा था गाइस शायद से आ जाए लेकिन नहीं आ पाए गाइस, यहाँ पे गाइस मैं पीछे आ गया डॉक्टर पैब्लो ने गोली मारने की कोशिश, लेकिन गाइस मैं घर के अंदर ही हो गया यार उससे पहले गाइस। यहाँ पे आप डॉक्टर पैब्लो देखते गाइस क्या करते गाइस, डॉक्टर पैब्लो अच्छे से ऊपर यहाँ अरे यहाँ नीचे गिर गया, लेकिन भाई मैं चाहता था गाइस यहाँ पर अगर मैंने ग्लू वॉल नहीं लगाती थी गाइस मैं मार देता शायद से एक गोली तो मार ही देता, लेकिन दो गोली मारने के लिए शायद से ग्लू वॉल लगा लेते गाइस। यहाँ पर ओपी मैच होने वाला गाइस एकदम सामने ग्लू वॉल गाइस, ये वही मैच गाइस आपको पता हो गाइस यहाँ पर वापस हम लोग फंसे थे एक गोली गाइस यहाँ पे ग्लू वॉल लग रही यहाँ पर, अरे यार एक और गोली लगती गाइस यहाँ से, और गाइस मैं साइड आया यहाँ पर गोली नहीं लगी गाइस और कहाँ गया, अरे यार एक और गोली, अरे यार गोली लग गई यार ये क्या प्रॉब्लम हो रही है यार, अरे यार भाई का मतलब पूरे तरीके से क्या ही बोले, मतलब भाई MP40 भाई तुम धोखा दिया मेरे को गाइस। यहाँ पे गाइस मैंने भाई मेरे को लगा भाई MP40 कुछ मेरे को कम डैमेज देती, मतलब मेरे से भाई कम डैमेज निकलता गाइस इससे गाइस। अब भाई मैं समझ गया गाइस डॉक्टर पैब्लो बस एक गोली का बचा है डॉक्टर पैब्लो, अब गाइस डॉक्टर पैब्लो को लग रहा है कि मैं वहाँ से पिक कर रहा, लेकिन भाई डॉक्टर पैब्लो गलत है, अरे यार ये देखो इसे कहते हैं भाई मौके का फायदा। और गाइस यहाँ पे गाइस मैं जीत गया हूँ गाइस,
ओपी तरीके से गाइस, जितने भी वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी जाए वीडियो लाइक करो, चैनल पे नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, एकदम ओपी तरीके से गाइस यहां मैंने भैया कर दिया गाइस। अब मैं आपको दिखा दूंगा डिटेल्स पूरा कि किसने कितना डैमेज दिया है गाइस। शायद से डॉक्टर पैब्लो ने ज्यादा डैमेज दिया क्योंकि गाइस डॉक्टर पैब्लो ने ज्यादा मतलब हेडशॉट मारे, बहुत हेडशॉट मारे हैं, तो गाइस शायद से भाई ज्यादा डैमेज नहीं दिया होगा। लास्ट राउंड में जो भाई मैंने किल भी किया था बस सारे सारे वही लगे बॉडी शॉट, तो मेरा डैमेज ये डॉक्टर पैब्लो का ये। तो आज के लिए यार बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए गाइस बाय।